हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो इस साल के लिए PhD एडमिशन टेस्ट होने वाली है, अभी आपकी टेस्ट जल्द ही हो जाएगी, उसके लिए यूनिवर्सिटी आप सभी को नोटिफिकेशन देगा। ओके, सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इस एडमिशन टेस्ट में जो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए सेक्शन रहेगा, ओके, उसके लिए मैं आप सभी के साथ लेक्चर सीरीज अभी ले रही हूँ। एंड इन टूडेज़ वीडियो हम सभी AMU रिसर्च मेथडोलॉजी 2020 के PYQs देखेंगे ऑफ PhD एडमिशन टेस्ट एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो हमने 2019, 2017, 18, 2021 साल के भी PYQs देखे, अब हम 2020 साल के PYQs आगे से देखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेवेंट टू डिफरेंट टॉपिक्स अंडर रिसर्च मेथडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक प्रकार के आइडिया भी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको रिसर्च मेथडोलॉजी में पूछे जाते हैं। एज वेल काफ़ी सारे PYQs ईच एंड एवरी ईयर रिपीटेटिवली पूछे भी जाते हैं, सो आपके उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उनकी भी आपको आइडिया मिल जाएगी। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, AMU PhD एडमिशन टेस्ट है जिसमें आपको 50% MCQs ये रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे, 50% MCQs आप सभी को कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। सो आप सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, तब भी आप PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। जिसे क्वालिफाई करने के लिए हम आप सभी को रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स PhD एडमिशन टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs, दैट्स व्हाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। इन MCQs को सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन लेवल देख सकते हैं। ओके, आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं। आपको गारंटीड 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं, आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन ऑफ PhD एडमिशन टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है, ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली कॉन्टैक्ट करके मुझे व्हाट्सएप थ्रू इंक्वायरी कर सकते हैं अबाउट दिस कोर्स। ओके, कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है, दिस इज नथिंग बट अ रिविजन पैकेज, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स अच्छे से रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में प्रिपरेशन करके PhD एडमिशन टेस्ट को 100% क्या करते हैं, 100% गारंटीड सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं। ओके, सो पिछले साल भी हमारा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई किया था। इस साल भी हमारा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स PhD एडमिशन टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करेंगे। ओके, नाउ लेट अस बिगिन। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज अ डिग्री ऑफ। ओके, सो रिग्रेशन एनालिसिस में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो बेसिकली क्या कंसिडर किए जाते हैं, मतलब ये एग्जैक्टली डिग्री ऑफ क्या है, वेदर इट इज़ डिग्री ऑफ वेरियंस, वेदर इट इज़ डिग्री ऑफ एवरेज, फ्रीडम, पॉसिबिलिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है रिग्रेशन एनालिसिस में, ओके, दीज आर नथिंग बट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन रिग्रेशन एनालिसिस, ये बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ओके, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं टू फिट देम अंडर द रिग्रेशन मॉडल। ओके, दीज आर नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल। सो रिग्रेशन मॉडल की जो एक्यूरेसी होती है, जो रिलायबिलिटी होती है, उसे डिटरमिन करने के लिए ये बहुत अच्छा एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। जितने ऑब्जर्वेशन आपको ज्यादा मिलते हैं, उतना ही आपका मॉडल काफी एक्यूरेट होता है। दैट्स अ हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन 3, दैट इज फ्रीडम। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन यू नो रिग्रेशन एनालिसिस इज नथिंग बट व्हाट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके,
द मेथड यूज एक्सटेंसिवली इन वेजिटेशन सर्वे इज डैश. नाउ वेजिटेशन सर्वेज में आप एक्सटेंसिवली इनमें से कौन सी मेथड को यूज करते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, प्लॉट अलॉन्ग ट्रांसेक्ट्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वेजिटेशन सर्वे जो है इसमें बेसिकली प्लॉट अलॉन्ग ट्रांसेक्ट्स, ओके, ये जो मेथड है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, जिसमें बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ यू नो समहाउ एरिया. ओके, सो उस एरिया में आपको इंटरेस्ट है तो आप क्या करते हो, कुछ ट्रांसेक्ट लाइन जो होते हैं वो वहाँ पर ड्रॉ करते हो अक्रॉस दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड आप उसमें सैम्पल प्लॉट्स को रखते हो एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग द लाइन. ओके, सो वेजिटेशन विद इन ईच प्लॉट इज देन सर्वेड एंड रिकॉर्डेड. सो ईच एंड एवरी प्लॉट में जो वेजिटेशन हो जाता है, ओके, उसके बारे में आप सर्वेस करवाते हो एंड उनको आप रिकॉर्ड करते हो. ओके, इसकी वजह से क्या होता है, आप काफ़ी सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन एंड डिफरेंट वेजिटेशन टाइप्स. ओके, इसकी वजह से ये आपको काफ़ी सिस्टमैटिक मेथड प्रोवाइड करता है, एक सिस्टमैटिक रास्ता प्रोवाइड करता है फॉर द सैम्पल वेजिटेशन अक्रॉस लार्ज एरियाज. सो ये जो वेजिटेशन सर्वेज है ये बेसिकली आप बायोलॉजी में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको काफ़ी सारे क्रॉप्स के बारे में स्टडी करना है इन डिफरेंट एरियाज, देन ये मेथड ज़्यादा यूजफुल रहेगी, बिकॉज डिफरेंट एरियाज में क्रॉप्स की पढ़ाई करना बेसिकली बहुत यू कैन से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंड दैट्स वाई इन दिस सिचुएशन आप ऐसे मेथड्स को करते हो. दैट्स वाई ही योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 4, दैट इज प्लॉट अलॉन्ग ट्रांसेक्ट्स. AMU PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. पेपर 2 यानी कि कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट पेपर. ओके, इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस, नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो MCQs सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो MCQs होते हैं एंड PYQs होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं, वो PhD एडमिशन टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं. यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछिए. ओके, पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999, एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. टू ज्वाइन आर कोर्सेस आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल ही आप सभी को PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन जो है इसमें बेसिकली आपको पेपर 2 के बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स जो पेपर 2 के बारे में जितने भी सारे नोट्स हैं वो हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं. ओके, द प्रिलिमिनरी स्टडी दैट इज अ स्मॉल स्केल रेप्लिका एंड अ रिहर्सल ऑफ द मेन स्टडी कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स इज टिपिकली टर्म्ड एज. जो प्रिलिमिनरी स्टडी हम करते हैं जिसे हम स्मॉल स्केल रेप्लिका एंड रिहर्सल बोलते हैं मेन स्टडी का. ओके, जिसकी मदद से जितने भी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं मेन स्टडी के, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रिलिमिनरी स्टडी को क्या कहा जाता है. Whether you call it as case study, pilot study, then report, then project. So students, इस प्रकार के study को कहा जाता है what? Pilot study. Okay? Because pilot study ये एक ऐसा study होता है जो हम करते हैं ताकि हम जो research project होता है okay, उसकी feasibility test कर सके, ताकि हम जो problems होते हैं असल research study में उनको identify कर सके, and काफ़ी सारे research methods को हम फिर से refine कर सके okay, before conducting the main study. ये बहुत ही यूजफुल होता है इन आइडेंटिफाइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज ड्यूरिंग द मेन स्टडी. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ये बताया ही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स. ओके, दैट्स हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2, दैट इज पायलट स्टडी. द टर्म एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च इज यूज इन. नाउ जो एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च ये जो मेथड है ये हम कौन से रिसर्च टाइप में यूज़ करते हैं.
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब होता है कि जो फैक्ट्स पहले से ही हो चुके हैं, ओके, उन फैक्ट्स के जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं उनको स्टडी करना, ओके, एंड इसमें बेसिकली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जाता है, उनको सिर्फ स्टडी किया जाता है। सो एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो बीते हुए फैक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो इनडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, बट स्टडी करने के टाइम आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते हैं, ओके, एंड दैट्स व्हाई एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च ये मोस्टली अनालिटिकल रिसर्च में यूज़ किया जाता है, बिकॉज अनालिटिकल रिसर्च में अनालिसिस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब डेटा अनालिसिस पे, एंड जैसे कि फैक्ट्स ये हो चुके हैं दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे यू नो रिलेट करते थे, राइट, एंड दैट्स व्हाई अनालिटिकल रिसर्च में आप एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड को यूज़ करते हो, ओके। In studies of behavioral sciences, the method used in. Now, behavioral sciences का जो study होता है उसमें आप इनमें से कौन सी method को use करते हैं? Interview method, observation method, experimental method, survey method, okay? So students, behavioral sciences में basically behavior के बारे में study किया जाता है कि how human behavior is there according to the different situations, okay? That's why behavioral sciences में आमतौर पर observation method का use किया जाता है, जिसमें basically हर एक human, you know, human being कैसे behave करता है in the different community, in different society, ओके, उसके बारे में पता चलता है थ्रू द ऑब्जर्वेशन मेथड, बिकॉज ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, भले ही वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड हो या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड हो, ओके। सो बिहेवियरल साइंसेस के बारे में स्टडी करने के लिए ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन मेथड का ही यूज़ किया जाता है। इफ़ यू सी इंटरव्यू मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, इन मेथड्स को भी आप बिहेवियरल साइंसेज में यूज़ कर सकते हैं, बट इनको यूज़ करने के लिए आपको डिफरेंट डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, आपके जो गोल्स रहेंगे वो भी डिफरेंट रहेंगे, बट ज़्यादातर आप ऑब्जर्वेशन मेथड को ही यूज़ कर सकते हैं, ओके। डैश टेंड्स टू सी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। नाउ इनमें से कौन सी कॉन्सेप्ट ऐसी है जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ये बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, ना कि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। बिहेवियरिज्म, मेंटालिज्म, डिटर्मिनिज्म, कॉग्निटिविज्म। नाउ स्टूडेंट्स, इनमें से जो एक कॉन्सेप्ट ऐसी है जिसमें हम ऐसे मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि एनवायरमेंट की वजह से है, वो है बिहेवियरिज्म, ओके। सो बिहेवियरिज्म ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है वेयर वी थिंक दैट ह्यूमन बिहेवियर इज रिजल्ट ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इफ यू सी मेंटालिज्म, देन मेंटालिज्म ये एग्जैक्टली बिहेवियरिज्म से अपोजिट है, ओके, जिसमें माना जाता है कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है वो बेसिकली हमारे इंटरनल मेंटल स्टेट की वजह से है, जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस एक्सेट्रा। डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म में ऐसा माना जाता है कि ऑल ह्यूमन बिहेवियर आर डिटर्मिन बाय प्रायर कॉजेस, जो हमारे प्रायर यानी कि पूर्व कॉजेस होते हैं उनकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर है। कॉग्निटिविज्म में माना जाता है कि रोल ऑफ यू नो मेंटल प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ह्यूमन बिहेवियर ये ज़्यादा एम्फोसाइज करता है, ओके। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन वन, दैट इज बिहेवियरिज्म, एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च की इनमें से कौन सी सबसे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है? अ फोकस ऑन प्रेजेंटिंग अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स, अ फोकस ऑन प्रेजेंटिंग रियलिस्टिक एंड मटेरियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, अ फोकस ऑन इंटरकनेक्शन एंड चेंज, इट यूजेस अ डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जिसमें आप बेसिकली क्वालिटी के बारे में स्टडी करते हो, जिसका मतलब ये होता है कि
ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन के फीलिंग्स कैसे हैं, ह्यूमन के थॉट्स कैसे हैं, या फिर किसी भी और दूसरे ऑब्जेक्ट के फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनकी क्वालिटी कैसी है, इसके बारे में इसमें बेसिकली स्टडी किया जाता है। एंड दैट्स वाई क्वालिटेटिव रिसर्च में किसी भी सिचुएशन इवेंट्स के बारे में इनडेप्थ स्टडी किया जाता है। सो द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज दैट बेसिकली इट फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग रियलिस्टिक एंड मटेरियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में यू नो इनडेप्थ स्टडी करते हो, देन इसका मतलब ये होता है कि आप उसके रियलिटी के बारे में स्टडी करते हो। रियलिटी में वो चीज़ बेसिकली होती कैसी है, उसके बारे में आप इसमें स्टडी करते हो। एंड दैट्स व्हाई क्वालिटेटिव रिसर्च में जो फोकस होता है वो बेसिकली इस पर ही होता है कि यू शुड यू नो प्रेजेंट द रियलिस्टिक एंड मटेरियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू सी अदर ऑप्शंस, दैट इज प्रेजेंटिंग undisputable facts and deductive logic of inquiry, ये दोनों भी characteristics qualitative research के हुए ही नहीं। Basically these are the qualities of quantitative research. Okay, and if you see focus on interconnection and change, okay, so ये जो quality है ये basically दोनों ही research methods की है, qualitative and quantitative both. Okay, सर्वे रिसर्च इज कम्स अंडर द मेथड। नाउ सर्वे रिसर्च ये कौन से रिसर्च टाइप में आता है? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, साइंटिफिक रिसर्च मेथड, कंपैरेटिव रिसर्च मेथड। नाउ स्टूडेंट, सर्वे रिसर्च ये एक ऐसी रिसर्च की मेथड है, और यू कैन से दिस इज द टूल, ओके, जिसकी मदद से आप क्वेश्चनेयर्स अपने रिस्पोंडेंट्स को पूछते हैं एंड रिस्पोंडेंट्स आपको उन क्वेश्चनेयर्स के बारे में रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करते हैं। एंड दैट्स वे ज्यादातर सर्वे रिसर्च के थ्रू आपको क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है, एंड दैट्स वे इट कम्स अंडर व्हाट? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। ओके, दैट्स वे हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी 2, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एंड नॉर्मेटिव रिसर्च? नाउ यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है विच डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन scientific and normative research? Normative research analyzes various scientific research evaluates. Normative inquiry implies conclusion. Various scientific inquiry draws conclusion. Normative research is prescriptive. Various scientific research is functional. Normative research defines. Various scientific research interprets. Now students, let us see first of all ki exactly scientific and normative research mein difference hai kya. So first of all, let us think about normative research. Now normative research ये एक research का type है which aims to identify and evaluate best course of action, okay, in given situation. So normative research का यही एक aim होता है कि जो given situation है, okay, उसको अच्छे से identify करे and उसे you know identify करके उसको अच्छे से evaluate करे, okay? It is used in the fields like ethics, law, public policy, etc. So ethics, law, public policy, in fields में normative research को use किया जाता है. Normative research ये basically prescriptive है nature में. Prescriptive का मतलब होता है कि ये prescribe करता है. Okay, इसका मतलब ये होता है कि ये हमें guidance provide करता है on what should be done in particular situation. किसी भी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए नॉर्मेटिव रिसर्च हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है. दैट्स व्हाई इसे प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर कहा जाता है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च. नाउ साइंटिफिक रिसर्च एम्स टू बेसिकली डेवलप एंड टेस्ट थियोरीज अबाउट हाउ वर्ल्ड वर्क्स. कोई भी वर्ल्ड कैसे वर्कआउट करता है, ओके, उसके बारे में जो हम थियोरीज डेवलप करते हैं उसे हम टेस्ट करते हैं. सो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है. ओके, साइंटिफिक रिसर्च ये हमेशा सिस्टमैटिक मेथड्स को ही इस्तेमाल करता है टू गैदर एंड एनालाइज द डेटा फॉर द रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च ये हमेशा फंक्शनल होता है नेचर में. फंक्शनल का मतलब ये है कि इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाई दे वर्क दैट दे वे दैट सम वे. ओके, कोई भी चीज़ कैसी वर्कआउट होती है, ओके, मतलब कोई भी चीज़ कैसी वर्कआउट होती है, वो क्यों वर्कआउट होती है, ओके, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको साइंटिफिक रिसर्च देगा. दैट्स व्हाई इसे फंक्शनल इन नेचर कहा जाता है. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 3. नॉर्मेटिव रिसर्च इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड वेरियस साइंटिफिक रिसर्च इज फंक्शनल.
द सैम्पल साइज फॉर द रिसर्च स्टडी डिपेंड्स अपॉन फोर पीज, व्हाट आर दे? नाउ जो रिसर्च स्टडी की जो सैम्पल साइज होती है वो काफ़ी सारे पीस के ऊपर डिपेंड रहती है. पीस का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत पी लेटर से होती है. सो वो वर्ड्स कौन से है? पर्पस, पॉपुलेशन प्रोसीजर पब्लिशिंग, पर्पस पॉपुलेशन प्रोसीजर पॉलिटिक्स, पॉपुलेशन प्रोसीजर पब्लिशिंग पोर्टल, पॉपुलेशन प्रोसीजर पब्लिशिंग प्रोडक्टिविटी. सो स्टूडेंट्स, ये जो पीस है वो ये है. पर्पस मतलब रिसर्च का पर्पस क्या है, पॉपुलेशन यानी कि हाउ मच पॉपुलेशन इज देयर अंडर स्टडी, प्रोसीजर यानी कि आप कौन से प्रोसीजर को यूज करोगे ओके फॉर योर रिसर्च स्टडी, एंड पब्लिशिंग यानी कि आपका प्रिसीजन कितना है कि आप उस पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी को पब्लिश कर पाओगे. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन वन, दिस वन. ओके, दीज आर द फोर पीज जिनके ऊपर रिसर्च स्टडी के सैम्पल साइज डिपेंड रहती है. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगी. ओके?